प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, साथियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आप सभी साथियों और विद्यार्थियों को नवीन शिक्षण सत्र 2021-22 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा कि विदित है कि इस सत्र में बोर्ड की परीक्षाओं कक्षा 10 और 12 का पाठ्यक्रम बदल गया है और पाठ्यक्रम NCERT का पाठ्यक्रम रखा गया है। तो हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो उसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी अनिवार्य की जो मुख्य पुस्तक है वो है आरोह मुख्य पुस्तक है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं आरोह भाग 2, तो आरोह भाग 1 है वो कक्षा 11 में लगती है और आरोह भाग 2 कक्षा 12 में लगती है, जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है। आरोह के साथ इसकी एक दूसरी पुस्तक और लगती है, पूरक पुस्तक, वह है वितान। तो आरोह और वितान ये कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य की पुस्तकें हैं या हिंदी आधार की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि कक्षा 12 की यह आरोह पुस्तक है और भाग नंबर ये 2 है, क्योंकि भाग नंबर 1 है वो 11वीं में लगता है और कक्षा 12 के लिए हिंदी आधार का मतलब यहाँ पे आप माने कि यह अनिवार्य है और ऐच्छिक का मतलब होता है कि वह आपके लिए ऐच्छिक है, मतलब वह साहित्य की पुस्तक है। ठीक है, अब अपन इस पाठ में देखते हैं, इस पुस्तक में देखते हैं कि कौन कौन से अध्याय है। आरोह पुस्तक के अंतर्गत अपने विषय जो कर्म है उसमें पहला खंड होता है काव्य खंड, और काव्य खंड के अंदर कुल मिला के जो अध्याय है जो आप ये देख रहे हैं, इसमें पहला अध्याय आपके आता है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन इनके 2 कविताएं हैं, एक है आत्मपरिचय और एक है गीत। तो गीत और आत्मपरिचय, यानी एक तो है आत्मपरिचय शीर्षक और एक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उस गीत के बोलिए। दूसरा पाठ होगा इसमें काव्यखंड में, वो आलोक धनवा की कविता पतंग। तीसरा पाठ है कुंवर नारायण का, जिसमें 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। चौथा पाठ इसका है रघुवीर सहाय और कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। इस पुस्तक का 5वां अध्याय है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है सहर्ष स्वीकारा है। इसके बाद इस पुस्तक का 6ठा पाठ होगा, वो होगा शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। 7वां अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलदार कविता है। इसके बाद 8वां अध्याय तुलसीदास रचित है और कवितावली के कुछ पद है जो उत्तरकांड से लिए हुए हैं, और दूसरा जो अंश है वो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके बाद काव्यखंड का 9वां पाठ है वो है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां हैं और गजल है। और इसके बाद इस काव्यखंड का अंतिम पाठ है वो उमा शंकर जोशी की 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, एक है छोटा मेरा खेत और दूसरा बगुलों के पंख। अब काव्यखंड के बाद गद्य भाग में कौन कौन से पाठ हैं, तो वो ये रहे। आरोह पुस्तक के गद्य खंड में जो पाठ है, जिसमें आप देख रहे हैं 11वां पाठ महादेवी वर्मा और इनका लिखा हुआ पाठ है भक्तिन, एक संस्मरण है। इसके बाद 12वां अध्याय है जैनेन्द्र कुमार का निबंध है बाजार दर्शन। फिर 13वां अध्याय है, ये भी एक तरीके से संस्मरण ही है, धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। इसके बाद 14वां पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु का, जिसमें एक कहानी है पहलवान की ढोलक। इसके बाद अध्याय नंबर 15 है विष्णु खरे का लिखा हुआ चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसके बाद 16वां पाठ है रजिया सज्जाद जहीर का लिखा हुआ पाठ नमक, यानी भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर रचित ये कहानी है। इसके बाद 17वां अध्याय है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसमें है शीर्ष के फूल। और इसके बाद अंतिम और 18वां अध्याय है वो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा उनके भाषण के अंश है, जिसमें एक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जबकि दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह है आरोह पुस्तक का पाठ्यक्रम। अब आरोह के साथ दूसरी पुस्तक जो लगती है वितान, अब वितान का क्या पाठ्यक्रम है वो भी देख लीजिए।
तो इस प्रकार की ये वित्तान की आपकी पाठ्यक्रम पुस्तक होगी, वित्तान भाग दो। मैं पहले कह चुका हूँ भाग एक है वो 11वीं में लगती है और यह कक्षा 12 आधार पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। और इसमें कौन कौन से पाठ है, वित्तान की पाठ्य सूची विषय सूची आप देख रहे हैं, तो वित्तान के अंतर्गत ये विषय रहने वाले हैं, ये पाठ रहने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका पहला ही अध्याय होगा वो होगा मनोहर श्याम जोशी की लिखी कहानी सिल्वर वेडिंग। दूसरा पाठ है वो है आनंद यादव का लिखा हुआ, जिसमें है जूज। तीसरी है अतीत के दबे पांव, ओम थानवी का लिखा हुआ पाठ है। और इसका चौथा और अंतिम पाठ है वो है डायरी के पन्ने, जिसके लेखक है लेखिका है वो है एन फ्रैंक। मूल रूप से ये विदेशी भाषा में रचित है लेकिन इसका भी हिंदी में अनुवाद करके यहाँ पे दिया हुआ है डायरी के पन्ने। यह इस पुस्तक का सबसे बड़ा पाठ है। अब इन दो पुस्तकों के अलावा एक पुस्तक और लगती है रचना और अभिव्यक्ति, तो उसके कौन कौन से अंश यहाँ पे है वो भी हम देख लेते हैं। तो सभी विद्यार्थी गौर से देखें, यहाँ पे आपके सामने जो नाम दिया हुआ है अभिव्यक्ति और माध्यम, यह एक ऐसी पुस्तक है जो कक्षा 11 और कक्षा 12 इन दोनों में अनिवार्य विषय में भी लगती है और साहित्य विषय में भी लगती है। एक पुस्तक है लेकिन कक्षा 11 में भी अनिवार्य और साहित्य दोनों में इसमें से प्रश्न आते हैं और कक्षा 12 में भी अनिवार्य और साहित्य दोनों में इनमें से प्रश्न आते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम ये पुस्तक है, इसके कौन कौन से पाठ है वो हिंदी अनिवार्य में आएंगे उसकी अपन बात करते हैं। अब रचना और अभिव्यक्ति जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हिंदी अनिवार्य में क्या रखा गया है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इकाई है इकाई एक दी हुई है जन संचार माध्यम और लेखन, इनमें से आप देख रहे हैं कि ये पहला अंश है वो तो कक्षा 11 के लिए है, फिर पत्रकारिता वाला भी कक्षा 11 के लिए है, फिर इकाई एक का जो तीसरा बिंदु है वो है कक्षा 12 आधार और ऐच्छिक दोनों के लिए। तो ये ध्यान से देखिए, ये कक्षा 12 अनिवार्य के पेपर में भी आएगा और ये साहित्य के पेपर में भी आएगा, मतलब शीर्षक क्या है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। फिर इसका पॉइंट नंबर 4 है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी आपके कक्षा 12 की आधार यानी अनिवार्य और ऐच्छिक यानी साहित्य की पाठ्य पुस्तक में होगा। इसके बाद इसका पाठ नंबर जो 5 है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये भी कक्षा 12 की आधार और ऐच्छिक दोनों पाठ्यक्रमों के लिए रखा गया है, मतलब ये तीनों पाठ आपके हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र में भी पूछे जाएंगे और हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में भी पूछे जाएंगे। इसके बाद इकाई नंबर दो देख रहे हैं जिसका शीर्षक है सृजनात्मक लेखन, और इसमें आपके ऐच्छिक मतलब ये तो साहित्य का विषय है, यह भी साहित्य का विषय है, मतलब कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, ये तीनों बातें हैं वो आपकी किस में पूछी जाएगी, साहित्य में पूछी जाएगी, अनिवार्य में नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद 9वां और 10वां है ये दोनों 11वीं के लिए है। आप अध्याय नंबर 11 कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये आपके है कक्षा 12 की अनिवार्य पाठ्य पुस्तक का यानी अनिवार्य का प्रश्न पत्र है, उसमें पूछा जाएगा अध्याय नंबर 11। उसके बाद 12वां अध्याय है कैसे बनता है रेडियो नाटक, ये भी आधार पाठ्य पुस्तक के लिए है, पाठ्यक्रम के लिए है, मतलब ये भी अनिवार्य में पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा। पहले हमने देखा कि तीन पाठ अनिवार्य और साहित्य दोनों के थे और यहाँ पे ये दो है वो केवल अनिवार्य में पूछे जाएंगे। इसके बाद आप अध्याय नंबर 13वां देख रहे हैं नए और अप्रत्याशित लेख विषयों पर लेखन, तो कक्षा 12 की आधार पाठ्यक्रम है उसमें भी है और ऐच्छिक में भी है, मतलब अनिवार्य में भी पूछा जाएगा और साहित्य में भी पूछा जाएगा। इसके बाद इकाई नंबर तीन देख रहे हैं आप व्यवहारिक लेखन, और ये इकाई नंबर 3 के जो तीनों अध्याय है वो केवल और केवल कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हैं और उसमें भी अनिवार्य और साहित्य दोनों में ये लगेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें से जो भी अध्याय है वो आपके अनिवार्य में भी पूछे जा रहे हैं और साहित्य में भी पूछे जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा
पाठ्यक्रम में निबंध भी रखा जाता है, और निबंध के अलावा यदि व्याकरण की बात करें तो इस पाठ्यक्रम में अन्य कोई छोटा व्याकरण का अंश नहीं रखा जाता, क्योंकि NCERT कहता है कि विद्यार्थियों को अलग व्याकरण की शिक्षा न देकर अध्ययन के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाए। तो आपके जो भी जितने भी पाठ हैं, जो भी पुस्तकें हैं, उनमें साथ ही साथ आपको व्याकरण की शिक्षा दे दी जाएगी, और हो सकता है आपके गद्यांश और पद्यांश जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें से आपको कोई भी व्याकरण का प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये किसका विलोम है, इसमें कौन सा मुहावरा है, इसमें कौन सी लोकोक्ति है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे गद्यांश और पद्यांश में से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि NCERT का ये रूल्स है कि वह अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं देकर पाठ्यक्रम के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा देता है। तो उम्मीद करता हूँ यह पाठ्यक्रम का एक्सप्लेन आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये पाठ्यक्रम समझ में भी आया है, अच्छा भी लगा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे आगे के पाठ्यक्रम की शुरुआत के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।